सात महीने से भी ज्यादा पीएसए के तहत नजरबंद रहने वाले जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को रिहा कर दिया गया है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा हटाने और उसे दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने के फैसले के बाद उमर अब्दुल्ला को हिरासत में ले लिया गया था, तो वहीं उससे पहले उनके पिता फारूक अब्दुल्ला को भी नजरबंद किया गया था, लेकिन उन्हें 13 मार्च को ही रिहा कर दिया गया था, जिसके बाद अब उनकी रिहाई पर भी फैसला सुनाया गया है। आपको बता दें कि मार्च में ही उमर अब्दुल्ला की बहन सारा अब्दुल्ला की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर प्रशासन से पूछा था कि बताएं कि उमर अब्दुल्ला को रिहा किया जा रहा है या नहीं। साथ ही कोर्ट ने कहा था कि अगर आप उमर अब्दुल्ला को रिहा कर रहे हैं तो उन्हें जल्द रिहा कीजिए या फिर हम हिरासत के खिलाफ उनकी बहन की याचिका पर सुनवाई करेंगे। गौरतलब है कि उमर अब्दुल्ला के साथ ही पीडीपी प्रमुख और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती भी हिरासत में हैं। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद फारूक अब्दुल्ला के साथ ही सैकड़ों नेताओं को हिरासत में लिया गया था, जिसमें इनके साथ ही महबूबा मुफ्ती के खिलाफ भी पीएसए लगाया गया था। न्यूज डेस्क।